नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। कृषि मंत्री गौरी शंकर बिस्सेन ने भावांतर योजनाओं को लेकर सरकार की पीठ थपथपाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। विधानसभा में बिस्सेन ने कहा कि इस अनोखी योजनाओं को लेकर कांग्रेस लगातार परेशान हो रही है, जबकि ये योजना अनोखी और कांग्रेस को चाहिए कि वह इस योजना का समर्थन करे। उन्होंने आरोप लगाए कि कांग्रेस ने कभी भी किसानों की सुध नहीं ली है और अब वह भावांतर जैसी योजना पर सवाल खड़े कर रही है। देश और राज्य में लंबे समय तक कांग्रेस के मित्रों ने राज किया, उनके ज़माने में भी समर्थन मूल्य से नीचे वस्तुएं बिकी हैं, लेकिन कभी उनको किसानों का न तो उन्होंने चिंता किया न कभी हित किया। आज हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने यदि मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना लाकर किसानों की उनकी उपज को लाभकारी मूल समर्थन मूल्य दिलाने का प्रयास किया है, तो मैं समझता हूँ इसका तो हमारे विपक्ष के लोगों ने सम्मान करना चाहिए और किसानों के पक्ष में इस निर्णय को जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। हम इस योजना के माध्यम से हमारे राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। न्यूज आज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज आज।